जिसमें से 4,000 पहले ले चुके थे और 13,000 रुपये आज लेते हुए हैं, रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। T9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं विजय तिवारी और शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के रीवा से। मध्य प्रदेश के रीवा में रिश्वतखोरों का इन दिनों बोलबाला है और जगह जगह पर रिश्वतखोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। लोकायुक्त पुलिस के द्वारा अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक लगातार कार्यवाहियां की जा रही हैं, बावजूद इसके रिश्वतखोर अधिकारी और कर्मचारी इससे बाज नहीं आ रहे हैं। इसी सिलसिले में लोकायुक्त पुलिस के द्वारा रीवा जिले के मऊगंज जनपद पंचायत से जनपद CEO शैलेश पांडे को 13,000 रुपए की रिश्वत लेते रीवा के नेहरू नगर में रंगे हाथों ट्रैप किया है। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता शिवेंद्र कुमार पटेल निवासी ग्राम ढनगन तहसील मऊगंज जिला रीवा के द्वारा लोकायुक्त में यह शिकायत की गई थी कि नई गढ़ी जनपद पंचायत में उनका वाहन लगा हुआ है और वाहन का 5 महीने से बिल भुगतान नहीं हुआ है और बिल भुगतान करने के एवज में नई गढ़ी जनपद पंचायत के तत्कालीन CEO शैलेश पांडे के द्वारा 17,000 रुपए की डिमांड की जा रही है, जिसमें से 4,000 रुपए आवेदक के द्वारा पहले दिए जा चुके थे और 13,000 रुपए और मांगे गए थे, जिसको देने के लिए शिकायतकर्ता आज रीवा के नेहरू नगर में शैलेश पांडे के किराए के आवास पर गया हुआ था और 13,000 जब दे रहा था, इसी दौरान लोकायुक्त पुलिस के द्वारा CEO को रंगे हाथों ट्रैप कर लिया गया। वहीं लोकायुक्त पुलिस के द्वारा CEO संडे को 13,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि यह वही CEO से हैं जिनके विरोध में पूर्व में नई गढ़ी में कई सारे समाज सेवियों के द्वारा और संगठनों के द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपा गया था और इनके भ्रष्टाचार को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया गया था। तब किसी तरह से नई गढ़ी जनपद पंचायत के तत्कालीन CEO इंद्र पांडे को हटाया गया था नई गढ़ी से और मऊगंज जनपद पंचायत का प्रभार दिया गया था। वहीं लोकायुक्त पुलिस के द्वारा जिस तरह से कार्यवाही की जा रही है, इससे रिश्वतखोरों के मन में कहीं ना कहीं डर बैठ चुका है। अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे कि लोकायुक्त पुलिस के द्वारा एक दूसरी बड़ी कार्यवाही की गई है। 15 दिन पहले रीवा जनपद पंचायत की CEO को रुपए लेते हुए लोकायुक्त पुलिस के द्वारा ट्रैप किया गया था और 15 दिन भी अभी नहीं बीते थे कि मऊगंज जनपद पंचायत के CEO शैलेंद्र पांडे को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस के द्वारा ट्रैप किया गया है। वहीं लोकायुक्त SP गोपाल धाकड़ के द्वारा साफ तौर पर पत्राचार करके लोगों से यह अपील की गई है कि अगर कहीं भी कोई भी रिश्वत की डिमांड करता है तो वह डायरेक्ट SP से संपर्क कर सकते हैं, उनकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी और लोकायुक्त पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शिकायत करते हैं शिवेंद्र कुमार पटेल, इनकी गाड़ी नई गाड़ी में CEO साहब जनपद में लगी हुई थी किराए पे और जून से लेकर अभी तक उनको पैसा नहीं निकाला गया था, जिसका पैसा निकालने के एवज में CEO साहब श्री शैलेश कुमार पांडे जी कमीशन मांग रहे थे। टोटल 20,000 रुपये की मांग कर रहे थे। जब इन्होंने बहुत ज़्यादा निवेदन किया तो 17,000 रुपये इनका बोला कि ठीक है आप, मैं कम कर दे रहा हूँ, 17,000 रुपये दे देना। और इन्होंने बोला था कि 7,000 मेरे ड्राइवर को दे दो, बाकी मुझे दे देना। इसमें से 4,000 पहले ले चुके थे और 13,000 रुपये आज लेते हुए हैं, रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। सर ये कुछ थाने भी मामला पहुंचा था इनका, किसी मतलब गाड़ी वाड़ी को लेकर अभी फरियादी बता रहे हैं। ये शिकायतकर्ता ने बताया है शिवेंद्र कुमार पटेल ने कि 23 तारीख को जब इन्होंने बोला कि मेरा पैसा निकाल दो, मुझे घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो, तो इन्होंने थोड़ी पहले से ही कुछ किटर पिटर चल रही थी कमीशन को लेकर के। 23 तारीख को इनका ये कहना है कि मुझे बोला कि तुम चले जाओ, मैं घर चला गया। तो 24 तारीख को इन्होंने CEO साहब ने उसकी झूठी शिकायत, उसका ये कहना है कि मेरी झूठी शिकायत कर दी कि साहब वो गाड़ी लेकर चला गया, आ नहीं रहा है। इस बात की उन्होंने झूठी शिकायत, उस पर दबाव बढ़ा रहे थे, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, तुम मुझे पैसा दे दो। ये पैसा का मैटर था, उसका ये कहना है कि पैसे की वजह से मेरी झूठी शिकायत किया है। 13,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। ये आपने शिकायत की थी किस मामले में, कितना पैसा मांगा गया सर? मेरी गाड़ी लगी थी जनपद पंचायत नई गढ़ी में,
पाँच महीने से पेमेंट नहीं हो रहा था। फिर मैं इनसे बात किया, बोले कुछ चाहिए, फिर बात हुई 20,000 की। फिर उसमें मैं बोला सर पैसा निकलवा दीजिए तो मैं दे देता हूँ, मेरे पास तो है नहीं। फिर 4 महीने का बिल निकलवाया, 1 महीने का रोक रखे हैं। फिर मैं गाड़ी लेकर घर चला गया तो मेरे नाम ये झूठी FIR कराए और धमका डरा धमका रहे थे कि पुलिस में बंद करा दूंगा साले, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर मैं इनसे बात किया, बोले 17,000 दे दो, तो 4,000 कल दिया और 13,000 आज दिया। आज कहाँ देने गए थे? आज सर इनके घर में देंगे। नेहरू नगर। कितने समय ये कार्रवाई हुई? शाम के 5:30-6:30। गाड़ी कब से लगी थी आपकी? गाड़ी मेरी जून माह से लगी थी, 2022। तब से यही प्रभाव में? हाँ। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र कुमार पटेल।